लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं उपमा बनाने जा रही हूँ जिसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं टमाटर, दो आलू, जीरा, एक प्याज को मैंने कट कर लिए हैं, मिर्ची को भी आप कट कर लें। इसमें लगने वाले मसाले हैं सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, जीरा मसाला, जीरा पाउडर है और नमक है, स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। मैंने पैन में गरम कढ़ाई गरम कर लिए हैं, गैस ऑन कर लिए हैं। आप इसमें 2 चम्मच के लगभग रिफाइंड डालें, डाल करके गरम करें इसे 2 स्पून के अंदाज से। मैंने बड़ी वाली स्पून से देखे तो 1 स्पून के लगभग ये है। ये जब गरम हो जाएंगे तो मैं इसमें सबसे पहले जीरा ऐड करूँगी। अभी ये गरम नहीं है, थोड़ी देर में तेज फ्लेम कर ले तो ये गरम हो जाएंगे अच्छे से। जब तक ये गरम हो रहे हैं तब तक मैं इधर आलू को छील करके इसको कद्दूकस कर ले रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। मैं अभी कद्दूकस करके देख सकते हैं कि जीरा तरक चुके हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ मिर्च डालूँगी, जो आप देख सकते हैं। और इसे हिलाते हैं, देख सकते हैं प्याज डाल दो इसी तरह। प्याज हल्का सा शिमला मिर्च मैंने थोड़े से लिए हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं शिमला मिर्च को, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप थोड़े से इंग्रेडिएंट्स भी ये उपमा बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप उधर देख सकते हैं मैंने उधर आलू को भी कद्दूकस कर लिए, जो आप देख सकते हैं आलू को मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। ये जब भून जाएंगे तो मैं उसे कटा हुआ टमाटर और आलू जो कद्दूकस किया हुआ है उसे डालें। अभी तेज फ्लेम ना करें नहीं तो जलने का डर है, प्याज अच्छे से भूनेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें आलू दिया है, ये टमाटर भी ऐड कर लिए हैं। और मैं इसे सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, छोटी वाली स्पून से। मैं छोटी दो चिकन में आप लोग यूज करते हैं वाली स्पून है, उसको आप नमक डाल दें। और मैंने सब्जी मसाले भी यूज कर लिया, ये सब थोड़ा थोड़ा भून जाएगा और ज़्यादा सही रहेगा। ये सब को आप मिक्स कर लें, देखते हैं आप मिक्स करें इसे, तभी तक कद्दूकस किया हुआ आप आलू डाल दें। आलू डाल करके थोड़ा सा भूनने के लिए आप इसे अच्छे से भूनें। आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को भी अच्छे से भून लिए हैं। अब आप इसे रवा डाल दें, ये 200 ग्राम से लगभग रवा है। आप इतना ही दवाई इतने इंग्रेडिएंट्स के लिए इतना रवा अच्छे से अभी कैसे करके मिलाते हैं। थोड़ा अच्छा मिला लें, इसमें मैंने 1 गिलास पानी का मिर्ची डालेंगे, 3 मिनट में पड़ी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल करके 2 मिनट के लिए पका लें, जैसे 3 मिनट पकने में लग जाते हैं। अब स्वादानुसार थोड़ा सा और नमक, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने नमक का यूज किया है। आप इसी तरह डाल लें और उसके बाद आप इसमें जीरा भुना पाउडर जो है वो आप डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अगर डाल लेंगे तो थोड़ा सा स्वाद इसका और टेस्टी हो जाएगा। और मैं सर्व करते हुए आप लोगों से मिलती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, आप भी इसी तरह ट्रांसफ़र कर ले। और मिर्ची और ओनियन के साथ डेकोरेट करके इसे धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास हो घर में अवेलेबल तो आप डाल दें। और आप देख सकते हैं ये कितने ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी और झटपट बन जाते हैं। आप लोग भी प्लीज़ इसे बनाएं और अपने घर पे एंजॉय करें। कैसा बना आप लोग शेयर करें
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।